नमस्कार, जय जिनेश, शैलेंद्र जैन बोल रहा हूँ। आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ हमारे चैनल पर। अब आज मैं लाया हूँ आपके लिए, जी हाँ, आज हम आपको बता रहे हैं कि पन्ना, जो एमराल्ड पन्ना होता है, उसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी दे रहा हूँ। और इसके बारे में आगे काफी कुछ हमने आपको रत्न के बारे में डिटेल दी है, तो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। काफी सारी श्रृंखला बनाई भी हमने रत्न के ऊपर, और कुंडली के ऊपर भी आप हमसे कुंडली बनवा सकते हैं। लाल किताब पर आधारित हमारी कुंडली, और इसके बारे में आपको ज्यादा डिटेल्स के लिए आप हमारे YouTube चैनल पर देखिए। काफी सारे यूट्यूब है हमारे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जी हाँ, मैं आपको बताने जा रहा हूँ पन्ना। जी हाँ, पन्ना के बारे में बुध राशि पर रत्नों के होने के कारण विद्यार्थियों तथा अध्ययन रत का कार्य करने के लिए सुबह के लाता है। और इसकी रंगत जो हल्की हरी रंग की होती है, और इसको पहनने से काफी कन्या लग्न वाले व्यक्ति भी पारण मिथुन तथा कन्या लग्न वाले व्यक्ति भी इसको धारण कर सकते हैं। और पन्ना अत्यधिक महंगा होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति इसके वश में नहीं होता है। फिर भी ऐसी अवस्था में आप जोड़, जेट, एबिनर, फिरोजा, ओनेक्स भी पहन सकते हैं। इसका अल्टरनेट जो रहते हैं, ओनेक्स, फिरोजा भी आप पहन सकते हैं। और पन्ना हमेशा चांदी पे पहना जाता है। जी हाँ, पन्ना हमेशा चांदी पहना जाता है। और इसके बारे में विस्तृत जानकारी आपके सामने जो स्क्रीन पर चल रहा है फोटो, आप उसमें देख सकते हैं। काफी सारी डिटेल दी गई है पन्ना। जी हाँ, एमराल्ड पन्ना। अब इसके बाद में आपको दिखाने जा रहा हूँ दूसरा रत्न है जो हमारा पुखराज। जी हाँ, पुखराज टोपाज रत्न, तो पुखराज जिसको उपरत्न होता है टोपाज, पुखराज गुरु का रत्न है। और आध्यात्मिक उन्नति चाहने वालों के लिए इसे अत्यंत शुभ माना जाता है। और धनु मीन राशि लोगों के लिए यह अत्यंत शुभकारी माना जाता है। और देखने में पारदर्शी होता है। यह एक येलो कलर का इसका स्टोन होता है, और इसको पीने से गुरु काफी गुरु को, जिनको मध्य गुरु है, कमजोर गुरु है, उनको पीने से काफी बल मिलता है इस रत्न को पीने से। और ये टाइगर उपरत्न होता है इसका, सुनहरा हल्का पीला हकीक होता है। इसे सोने के अष्ट धातु में पहना जाता है, और इसको पहनने से गुरु काफी बलवान होता है। और इसके बारे में और डिटेल देखने के लिए जो आपके सामने स्क्रीन पर जो फोटो चल रहा है उस पर डिटेल पढ़िए। और आपको रत्नों से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। सुपीर क्वालिटी एवं सबसे कम दाम पर हम आपको देने की चेष्टा रखेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य आपको उच्च क्वालिटी की व्यवस्थित चीज मिले और सही चीज मिले आपके लिए। तो आप बिल्कुल देखिए, और आपको जो भी रिक्वायरमेंट लगे तो बिल्कुल आप हमें कॉल करिए। इसके बाद हम बता रहा हूँ मैं आपको हीरा, यहाँ हीरा, डायमंड हीरा, हीरा शुक्र ग्रह की अनुकूलता के लिए पहना जाता है। हीरा पहनने से शुक्र ग्रह का नकारात्मक प्रभाव जो होता है हमारे जीवन पर, वो काफी दूर हो जाते हैं, और समृद्धि के द्वार खुलते हैं। शुक्र जो हीरा पहनते हैं उससे हमारे ज्योतिष के अनुसार हीरा पहनने से प्रेम विवाह संबंधित अनुकूल होकर व्यक्ति के जीवन को खुशहाल बना देते हैं। हीरा चांदी अथवा प्लेटिनम में पहना जाता है। हीरा अत्यधिक महंगा होने के कारण, जी हाँ, हीरा अत्यधिक महंगा होने का कारण कभी नहीं खरीद सकते, इसलिए आप हीरे का उपरत्न जर्किन, स्फटिक, सफेद पुखराज, ओपल खरीद कर पहन सकते हैं। हीरा पहनने से आपके जीवन में काफी समृद्धि होती है, और आपके जीवन में मधुरता आती है, क्योंकि यह युवा प्रेम से संबंधित होता है। इसके बारे में और डिटेल जानने के लिए आपके सामने दिखाई जा रही स्क्रीन पर देखिए। और इसके बारे में और ज्यादा जानकारी चाहिए बिल्कुल आप करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, नमस्कार।